Hi guys, welcome back to my channel. If you're a new subscriber, I'm Preet Keshav and this is guy who's drink Red Bull every day. He's Surya Bhatt. I'm 30 years old. I live in Chandigarh and on my channel we make very random videos. So aaj ki random video hai, we're gonna judge if garlic bread is really overrated or not by making it at home. एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, आज हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे बाय यूजिंग एयर फ्रायर, जो कि सूर्य की फैमिली को दिवाली गिफ्ट में मिला. आई होप सबके रिलेटिव्स या आसपास वाले ऐसे जो अच्छे गिफ्ट्स देते हो, यू नो, रादर देन क्रॉकरी. If they don't give you good gifts, dump them, leave them, don't answer their text messages. So guys, let me introduce all the stuff, ingredients जो हम use करने वाले हैं in this video. Yes. संदीपी जी, आप हमारे main chef हैं. अच्छा. As always, I will be your helper. As always, जितने भी cooking videos लोगों ने देख रखे हैं, you would be knowing like क्या होता है. Obviously, I know everything, guys. आपको पता नहीं, professional culinary course किया है. तो सबसे पहले जो चीज चाहिए तुम्हें गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, वो एक रेड बुल. एंड दूसरी चीज तुम्हें चाहिए गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, वो है एक वे प्रोटीन. मेक इट हेल्दी. ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए रियल इंग्रेडिएंट, है ना? रियल इंग्रेडिएंट्स, लेट्स गेट बैक टू इट. दो गार्लिक, एक लोफ ऑफ ब्रेड. तुम लोग नॉर्मल ब्रेड भी यूज कर सकते हो. बाय द वे, दिस ब्रेड कॉस्ट 90 रुपए. महंगी है? 90 इज महंगा और सस्ता. 90 इज महंगा फॉर अ ब्रेड यार. ब्राउन ब्रेड इज लाइक 45 रुपीस. तो गार्लिक ब्रेड के लिए हमें चाहिए अनंदा का प्योर बटर. उसके बाद तुम्हें चाहिए पिज्जा चीज. हमने आई गेस नॉर्मल मोज़रेला चीज यूज कर ली है. दिस इज फ्रॉम डेयरी क्राफ्ट. सो ओवरऑल हमारी गार्लिक ब्रेड हमें पड़ने वाली है कितने रुपए की सूर्य? गार्लिक ब्रेड, अच्छा पूरा अप्रॉक्स 400 रुपए हम वेस्ट कर चुके हैं अबाउट दिस. अगर तुम डोमिनोज में जाओगे देन यू कैन गेट, यू नो, इजीली 125 रुपए की गार्लिक ब्रेड, व्हिच इज ऑरेगानो. ठीक है, और एक और मेन इंग्रेडिएंट तो हम भूल ही गए यार, हम कैसे से शेफ्स हैं. धनिया गाइस, चलिए फिर शुरुआत करें हम. लेट्स गो. लेट मी टाई माय हेयर, क्योंकि हर वीडियो में यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द गर्लीज, बाल खुले मत किया करो यार कुकिंग के वक्त. गाइस ऐसे गार्लिक छिला जा रहा है पहले. बाय द वे, मेरे को याद है देयर वाज दिस यू नो ट्रेंड गोइंग ऑन ओवर इंस्टाग्राम, जो कि टिकटॉक से ऑब्वियसली टिकटॉक के रिफाइंड वीडियोस आ रही थी, जिसमें एवरीबॉडी वाज मेकिंग यू नो दिस गार्लिक ब्रेड. मेन चीज उसमें ये थी कि यू हैव टू बेक योर गार्लिक 1 घंटे के लिए अवन में. दैट डजंट साउंड यू नो फिजिबल टू मी. मैं सोच रहा था तब तक मैं बता रहा हूं. यू नो यू आर वेस्टिंग सो मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बाय द वे, देयर वाज दिस फेस मेरी जिंदगी में जब मैं पागल हो गई गार्लिक ब्रेड के लिए. आई यूज्ड टू ईट इट लाइक एवरी डे. आई थिंक हमारे रिलेशनशिप का इनिशियल फेज था, राइट? मुझे बोलते थे गार्लिक ब्रेड लिया मेरे लिए. ऑफिस से आना मैंने और सूर्या को बोल देना मेरे लिए गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करके रखना. एंड आई यूज्ड टू ईट इट एवरी डे. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ था. दैट वाज लाइक द इनिशियल स्टेज. और हम रुके कैसे थे? अच्छा, वेट बहुत गेन, क्योंकि मेरा वेट 5 किलो गेन हो गया था सीधा विद इन अ मंथ आई गेस. गार्लिक हमने छील लिया है तो वी आर ओनली टेकिंग दिस मच गार्लिक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 कलियां ऑफ गार्लिक. क्या बात है, क्या नंबर है गाइस. अब मैं आईफोन 13 यूज करता हूँ. नेक्स्ट स्टेप, जो कि मैंने टिकटॉक फेमस वीडियोस में देखा कि वो बेक करते हैं गार्लिक, बट वी नॉट गोना डू दैट बिकॉज दैट इज नॉट फिजिबल, राइट? सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि ये जो कलियां मैंने इनको बारीक स्लाइस कर लेना है. इफ यू गाइस हैव दैट गार्लिक मिंसर दैट वर्क्स टू. So let's do that. So let's mix the mixture जो हमने bread पे लगाने हैं. Ooh, this is so squishy, touch it. दोस्तों हमें अभी पता चला कि हमारा butter is unsalted. If you are using that, so make sure you mix some salt in it. I think before taking out salt, हमें bread नहीं निकालनी चाहिए थी. Bread भी निकाल देंगे, पहले mixture बना लें. अच्छा, इसके साथ बना रहे हो आप? हाँ. निकालो, देखो. है थोड़ा ना? गाइस ये प्रीत अपने लिए नहीं कर रही है, आपके लिए कर रही है. ठोक दीजिए माँ काली का आशीर्वाद लेके लाइक. ये तो मैं बिल्कुल नहीं रख रही अपने वीडियो. ओके, लेट्स ओपन अप आवर फुकेशिया लूप. सो दोस्तों हमने एयर फ्रायर वहां से उठा के यहाँ रखी है बिकॉज स्मॉल किचन इश्यूज. हमारा पावर आउटलेट इधर ही है. सो द ओनली थिंग इन दिस वीडियो दैट सनअप इज गोना डू इज पुट द गार्लिक ब्रेड इन साइड द एयर फ्रायर. ओके, एंड सेट द टाइमर बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट एयर फ्रायर. चलो चलो इसे उठाओ. वी हैव टू मेक दिस एट 180 डिग्रीज फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स. ये निकालो, ठीक है. अब इसके अंदर हम करेंगे प्लेस गार्लिक ब्रेड.
फिट हो जाएंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं दो ही करूंगा मैं, क्योंकि हमें देखना है ना कि प्री हीट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। सो गाइस, हमने चार गार्लिक ब्रेड्स प्रिपेयर करके रख ली थी एंड वी हैव डिसाइडेड कि हम दो डिफरेंट बैच में बनाएंगे। एक बैच में जस्ट हमने नॉर्मल गार्लिक ब्रेड रख के हमने डाल दिया वो एयर फ्रायर में, और दूसरे बैच में हमें देखना कि हमें प्री हीट करना पड़ता है एयर फ्रायर की नहीं। आई डोंट नो अगर तुम गार्लिक ब्रेड गैंग हो या नहीं हो, मैं तो डेफिनेटली हूं। देयर इज समथिंग अबाउट द गार्लिक, लाइक गाइस आफ्टर ब्लड एंड क्रीपी गार्लिक ब्रेड गैंग भी है। बाय द वे देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू शेयर विद यू नो एवरीबॉडी हु इज वाचिंग दिस। जब मैं छोटी बच्ची थी जब मैं छोटी बच्ची थी आई थिंक आई वाज बेली तीसरे या चौथे स्टैंडर्ड में, मुझे नानी के घर पे है ना, हमारी फैमिली को नानी ने इनवाइट किया एंड ही वेंट देयर, और उन्होंने आलू के पराठे बनाए एंड गलती से उन्होंने आलू के पराठे की जो स्टफिंग थी उसमें पूरा गार्लिक का वो आ गया होगा एंड अनफॉर्चुनेटली आई वाज द वन हु वाज ईटिंग इट एंड आई फेल्ट द स्क्विशनेस और मेरे को लगा मैंने मे बी कॉकरोच खा लिया एंड विद इन 15 मिनट्स आई वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने फिर मेरे पेरेंट्स को बताया कि ओह इसकी फूड पाइप में गार्लिक ब्रेड फंसी, सॉरी गार्लिक का बहुत बड़ा वो फंसा हुआ है। सो दैट्स अ वेरी अनयूजुअल स्टोरी टू टेल। लेट्स गो गाइस, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, हाउ इज इट? आई डोंट थिंक सो, वी नीड टू कुक इट मोर। आई थिंक 1 मिनट मोर गाइस, 1 मिनट मोर, हियर वी गो। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हेलो गाइस, देखो थोड़ा ज्यादा, नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल गार्लिक ब्रेड, थोड़ा ज्यादा चार्ड हो गया बट कोई बात नहीं। सो दिस इज़ आर बैच नंबर 1 जो कि हमने बनाया 4 मिनट ऑन 180 डिग्री सेल्सियस एंड दे लुक ऑसम, दे लुक सो हॉट एंड लेट मी शो यू द बैक। नॉर्मली दिख रही है बैक तो, हमने बटर लगाया था बैक पे। सो गाइज, अब बारी आ चुकी है टेस्ट टेस्ट ऑफ बैच नंबर 1। वी गोना सी कि हमने यहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं सो द बैच नंबर 2 कैन बी यू नो मोर सक्सेसफुल। लेट्स गो, चीयर्स। I can't fucking believe this. It's so good. Let me give you guys a little ASMR. It's far better than the Domino's bread. It's far better than the breads you get in the restaurants. Now time for the second batch. Let's go. अब जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं प्री हीट वाले में। ओके गाइस, 4 मिनट बाद, हियर वी गो। ये तो फुली चार्ज्ड हो गया है ना? दिस लुक्स सो फकिंग गुड। आई थिंक हमें 3 मिनट ही करना चाहिए था। रुको गाइस, बंद कर देता हूं वहां से। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री हीट एंड वो। हां, प्री हीट में बस यही है कि चार्ड हो गया, पीछे से देखते हैं डिफरेंस क्या आता है। ठीक है, इसे प्लेट में डाल के डालते हैं और फिर बताते हैं पीछे से डिफरेंस। वी आर बैक इन अ ड्रॉइंग रूम एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द टेस्ट टेस्ट ऑफ आवर सेकंड बैच। And unfortunately, Sunrubi ne apni ungli chala li hai. In the process of taking it out, chalo koi baat nahi guys, ho jata hai. Dikhao inhe. Guys, I'm gonna put a picture over there. But I would say ki preheat wale usme, if you cook at the usual time, which is like 4 minutes, toh tumhara cheez zyada charred ho raha hai. So it's up to your own preference, like how you wanna eat it. Second time mein thoda zyada charred ho gaya hai. Ab ye dekhte hain ki does it taste burnt or charred, hai na? Yeah, like look. Look at the back. Let's go. Cheers. Personally, not much difference between the both breads. But I like this one better because cheese zyada charred hai. I don't think so. I've ever fallen in love with something I've cooked. Something I've cooked. Anyways, I really loved making garlic bread and I hope you guys enjoyed it too. Do make this recipe and do tag me on Instagram if you ever make it. I would love to reshare it and I would love to know what you guys think about this.